अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सैंडविच ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी, तो अब उसके इंग्रेडिएंट्स मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छी बन गई थी, आसान बन गई थी। अब इसके लिए मैंने ब्रेड फ्लार ले लिया है, या ऑल पर्पस फ्लार ले लें, या ब्रेड फ्लार अगर अवेलेबल हो तो वो ले लें। और इसमें मैंने नमक डाल दिया है, ये दूध है, इसमें मेल्टेड बटर है और चीनी डाल दी है और यीस्ट है इसमें। और ये लोफ पैन ले लिया मैंने, दो ब्रेड्स बनाऊँगी मैं। और इसकी डिटेल रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में डिटेल से लिख दूँगी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें दूध है, चीनी और मेल्टेड बटर है। दूध को थोड़ा सा गर्म कर लें तो फिर वो उसमें बटर वैसे ही मेल्ट हो जाता है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यीस्ट जो है, ये इंस्टेंट यीस्ट है, तो इस वाली ब्रेड में ज़रूरत नहीं है कि यीस्ट को अलग से एक्टिवेट करें, तो इसमें मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करके। और अब इसमें मैं दूध, मक्खन और चीनी का जो मिक्सचर बनाया है वो इसमें डाल देंगे, मैं डाल दूंगी इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब ये सारा मैं इसमें एक साथ ही डाल दूंगी। ये इसका जो डो है, ये जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे नहीं बनेगा, बस ये थोड़ा सा वेट डो होगा। और इसके स्टेप्स मैं अब दिखाती जाऊंगी एक एक करके। अब इसको मिक्स कर लेंगे लकड़ी की चम्मच से, अगर इसको मिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो बस इसको इस तरह से मिक्स करके और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे, इसमें टाइम का बहुत ख़ास ख्याल रखें। ये देखें, इस तरह का वेट डो बनाए, लेकिन इसमें स्टेप पर बिल्कुल भी ना मैदा इसमें डालेंगे, ना ही इसमें एक्स्ट्रा कोई बटर या ऑयल डालेंगे। बस इसको इसी तरह से रख देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा ग्लूटेन फॉर्म हो जाए। अब इसको प्लास्टिक रैप से ढक के या किसी थोड़े से गीले कपड़े से इसको ढक के रख देंगे ताकि थोड़ा सा ये राइज हो जाए। और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रखना है टाइम देख के। अब इसको 5 मिनट हो गए। अब इसको दोबारा से मैं मिक्स करूँगी और इसका मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ। इस तरह का देखें, अब इसमें ये ग्लूटेन फॉर्म हो गया है, इस तरह का ये ऐसा इसका टेक्सचर हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से बस दो से तीन मिनट में इसको मिक्स करके और दोबारा से मैं इसको राइज होने के लिए रख दूँगी। और इस स्टेप पर भी इसमें ना एक्स्ट्रा मैदा डालेंगे और ना ही इसमें ऑयल या बटर डालेंगे, ये इस तरह का वेट डो ही होता है। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी हाथ से और इसको दोबारा से मैं कवर करके मैं रख दूँगी। मैं एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए मैं मिक्स करने का प्रोसेस नहीं दिखा सकी थी। बस इसको चम्मच से ही 2-3 दफ़ा इस तरह से मिक्स कर देंगे और दोबारा से इसको ढक के और राइस होने के लिए रख देंगे। किसी गर्म जगह पे रख दें। अब ये लोफ पैन है, इसको मैं ग्रीस कर लेती हूँ बटर से या ऑयल से, इसको ग्रीस कर लें। और इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देंगे ताकि ये इस पर चिपके ना जाकर। अब इसमें मैदा डाल दें और जब ब्रेड बनाएं तो मैदा जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लें। इसको अच्छी तरह से पूरे उस पर मैंने पैन पे लगा दिए और अब मैं दिखाती हूँ। देखें, ये डो जो है ये राइज हो चुका है, इसमें अच्छे खासे बबल्स आ गए। अब इसको मैं किसी भी सरफेस पे डाल दें। थोड़ा सा मैंने ये ऑल पर्पज़ फ्लावर इस पर डाला है, किसी भी फैली हुई जगह पे इसको डाल के या किसी भी बड़े बर्तन में डाल के इसको अभी मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। और ये वेट ही रहेगा, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा मैदा नहीं शामिल करेंगे। आप किसी भी स्क्रैपर की मदद से इसको इस तरह से बस मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा ये काटने के इसके अभी हम दो हिस्से करेंगे ताकि ये आराम से इसके दो हिस्से हो जाएँ, बहुत ज़्यादा ये वेट ना हो। तो अभी मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मैदा इसमें मैंने डाला था, बस इसको हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे। आटे की तरह इसको बिल्कुल नहीं गूंदना है, बस इतना इसको मिक्स करें कि इसमें अच्छी तरह से ये थोड़ी सी इसकी शेप आ जाए। कोई स्क्रेपर हो तो आसानी से हो जाता है, वरना कोई ग्लव्स पहन के कर लें। और अगर हाथ से भी करें तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इसको गूँधें ना और एक्स्ट्रा इसमें मैदा या कोई भी मक्खन इसमें शामिल ना करें कि ये संभलने लगे। बस ये इसी तरह का ये डो होता है।
बस इसको 2 से 3 मिनट तक मैं इस तरह से मिक्स करूँगी और फिर इसको किसी वेइंग स्केल पे जो है इसको हम वेट कर लेंगे। अब इसको मैं अंदाजे से इसको आधा आधा कर लें। जब ब्रेड बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि इसका एक ही साइज़ हो, तो फिर वो कोशिश करें कि किसी कोई वेइंग स्केल हो, फूड स्केल, तो उस पर इसका वेट कर लें, तो फिर वो दोनों एक साइज़ के ही बनेंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर लें हल्के हाथ से। अगर थोड़ा कोई कम ज़्यादा लगे तो उसमें शामिल कर दें। अब ये मेरे पास एक स्केल था, इस पर मैंने रख दिया। ये थोड़ा सा वेट हुआ है तो मुश्किल से इस पर वेट हो रहा था इसका। तो बस देख लें दोनों का एक तकरीबन एक जैसे ही वेट होना चाहिए। या तो पैन में डालकर इसको वेट मैंने किया था तो उस तरह से कर लें, या इस तरह से कर लें। और अब इस तरह से इसको लोफ की शेप देके और मैं अब पैन में डाल दूँगी। अवन 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्री हीट हो रहा है और बेक इसको मैं 375 पे बेक करेंगे इसको। इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। अभी मुझे एग्जैक्ट टेम्परेचर इसका याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है 375 पर या 370 पर इसको बेक करेंगे। प्री हीट इसको 350 पर करेंगे। अब इसको मैंने दोबारा से पैन में डाल के और राइज़ होने के लिए रख दिया था। देखिए ये अच्छी तरह से ये राइज़ हो गया है डो। अब ये इसके ऊपर एग वॉश लगाएंगे इसको, और बहुत हल्के हाथ से लगाएंगे। ये बस अंडा फेंट के मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको बहुत हल्के हाथ से इसके ऊपर लगा देंगे। इससे अच्छा कलर आ जाएगा। और अगर अंडा ना लगाना चाहें तो दही में थोड़ा सा दूध मिक्स करके उसका एक पेस्ट सा बना के वो इसके ऊपर लगा दें तो उससे भी अच्छा कलर आ जाता है। तो अब इसको हल्के हाथ से लगाएंगे ताकि इसका जो इसके जो बबल्स हैं वो बिल्कुल ना निकले, इसमें जो एयर आ गई है वो ना निकले। दोनों पैंस में मैं लगा दूँगी दोनों लोफ के ऊपर और फिर इसको बेक होने के लिए रख देंगे। और इसको हल्के हाथ से मैं दोबारा से बता देती हूँ, बस हल्के हाथ से इसको लगाना है। ये दोनों पे लग चुका है और अब इसको बेक होने के लिए रख देते हैं अवन में। ये देखें ये बेक हो चुकी है। अब इसमें इसकी ओर डाल के देख लूँगी कि ये थोड़ा ये अंदर से ड्राई निकले। तो अब इसको ठंडा कर लेंगे और इसके ऊपर मैं बटर लगा दूँगी। बस जब ओवन से निकालें तो उसमें उसी वक्त गरम ब्रेड पर ही बटर लगा दें और थोड़ा सा फिर 15 से 20 मिनट बाद फिर इसको पैन से निकाल के फिर इसके स्लाइसेस करके दिखाऊँगी मैं। अभी फ़ौरन गरम गरम तो नहीं निकाल सकते वरना टूट जाएगी। तो इसके ऊपर मैं बटर लगा देती हूँ। इससे अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है और थोड़ा सा इसका क्रस्ट भी थोड़ा नरम हो जाता है। बस अब मैं दोनों लोफ पे लगा दूँगी और फिर इसको कम से कम 20 मिनट बाद का, अगर निकाल बहुत जल्दी है तो 20 मिनट इसको टाइम दे के फिर काट लें, वरना 3-4 घंटे के बाद अगर इसको निकालें तो इसका और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। और अगर इसका टॉप बहुत सॉफ्ट चाहिए तो फिर इसको ढक के रख दें तो वो अच्छी इसका जो क्रस्ट है थोड़ा सा नरम हो जाएगा। तो बस इस पर अच्छी तरह से मैंने बटर लगा दिए और फिर अब ये ज़रा ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको पैन से निकाल के और काट के दिखाऊंगी। इसको पहले साइड से इसके एजेस को लूज़ कर लें। और उसके बाद फिर मैं इसको भी निकालती हूँ।
ये मैं दरअसल एक हाथ से कर रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे करना। तो बस इसके एजेस को लूज़ करके और फिर इसको अब किसी कटिंग बोर्ड पे डाल के इसको मैं काट के दिखाती हूँ। ये देखें, अभी आराम से निकल जाएगी। हाँ, शुरू में जो बटर लगाया था और नीचे ऑल पर्पज़ फ्लावर डाला था उसकी वजह से ही नीचे चिपकती नहीं है बिल्कुल। और अब मैं इसके स्लाइसेस करके दिखाती हूँ। और ये ब्रेड जब भी किसी काटें तो ये सेरेटेड नाइफ़ हो कोई तो उससे काटें, तो उससे इसके अच्छे स्लाइस कटने के बहुत अच्छी और ये नरम ब्रेड बनी है। तो इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा। और इसको इस तरह से काट के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, काट के और किसी भी कंटेनर में रख दें तो ये अच्छी फ्रीज़ हो जाती है। और इसके जो हैं फ्रेंच टोस्ट बहुत मज़े के बनते हैं नाश्ते में, ये किसी भी आमलेट के साथ या फ्राइडे के साथ खाएं तो बहुत मज़े की लगती है। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएगी। और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।